दुनिया में कई हजार सालों से अलग अलग बार्ड्स की प्रजातियां मौजूद थी जो अब विलुप्त हो चुके हैं। इसमें से साल 1900 से लेकर अब तक के टाइम में इन जीवों की लगभग 200 प्रजातियां इसी धरती से पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इनमें से कुछ तो ऐसे जीव है जिनकी संख्या लाखों में थी, लेकिन इंसानों की गतिविधियाँ, जंगलों को विनाश, हमले और शिकार की वजह से ये अपना अस्तित्व बचा नहीं पाए। कई सारे बार्ड्स की प्रजाति तो प्रीहिस्टोरिक काल में ही समाप्त हो चुकी है। इसके अलावा भी आज विश्व में करीब 10,000 प्रकार के बार्ड्स पाए जाते हैं। इनमें से कुल 12,000 प्रजातियां ऐसी है जो कि विलुप्त होने की कगार पर है। इन्हीं बार्ड्स की प्रजातियों को संकटग्रस्त घोषित कर दिया गया है। चलिए इसी वीडियो में जानेंगे ऐसे ही कुछ बार्ड्स की प्रजातियों के बारे में जो विलुप्त हो गई है या होने वाली है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है फैक्ट्स फैक्ट्री में। अगर आप हमारे चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नंबर 1, ऑर्किओपोस्टेरिक्स। ये बार दुनिया का सबसे पहला बार था जो कि धरती पर प्रीहिस्टोरिक काल में मौजूद था, जिसकी उत्पत्ति 140 करोड़ पहले से हुई थी। इसी बार को आद्यो या आर्किस्टोपरिक्स कहा जाता है। ये बाढ़ के पूरे विश्व में सिर्फ फॉसिल्स मिले हैं। उनमें से एक फॉसिल्स यूके रॉयल म्यूजियम में है और दूसरा फॉसिल्स राजस्थान यूनिवर्सिटी के महाराज कॉलेज में रखा हुआ है। नंबर 2, ड्रोमरिन्स। 500 से 600 किलो वजन वाला बाढ़ ड्रोमरिन्स ऑस्ट्रेलिया के विशिष्ट विशाल बाढ़ में से एक था, जो 1.5 करोड़ से 26,000 पूर्व तक के टाइम के बीच मौजूद था। ये बाढ़ दिखने में वर्तमान में मुजैसा था, लेकिन टोटली ये मुजैसा नहीं था। इसी बाढ़ को मिरिंग बार्स कहा जाता था। इनमें से कुछ वर्तमान में थोड़े बड़े थे और स्टिटोनी 3 मीटर की करीब था। नंबर 3, डोडो बार्स। विलुप्त बार्स में डोडो सबसे प्रमुख है। हिंद महासागर के द्वीप मॉरिशस का एक स्थानीय बार था। ये बाढ़ कबूतर का नजदीक रिश्तेदार था, लेकिन इसकी हाइट 3.5 फीट थी, जबकि वेट करीब 20 किलो था। इस बाढ़ की विलुप्त का रीजन भी हम इंसान है। 1598 में डच समुद्री यात्री पहली बार इसी आइसलैंड पर आए थे, तो उन्होंने इसी बाढ़ का शिकार करना शुरू कर दिया, क्योंकि उड़ नहीं पाने की वजह से डोडो सबसे आसान शिकार था। इसी तरह डच यात्रियों ने इसी बाढ़ की सारी प्रजातियों का शिकार कर दिया और ये बाढ़ हमारी दुनिया से विलुप्त हो गए। नंबर 4, तस्मानियन एमू। एमू बाढ़ जैसा एक प्रजाति है। ये बाढ़ भी तस्मानिया टाइगर की तरह तस्मानिया आइसलैंड में ही पाई जाती थी। ये बाढ़ उड़ नहीं पाता था, तो तस्मानियों में ये काफ़ी तादाद में पाए जाते थे, लेकिन बाद में वहाँ के किसानों ने तस्मानिया टाइगर की तरह ही इसे एक फसल नष्ट करने वाला बाढ़ मानते हुए इसका शिकार किया और लगभग सारे बार्ड्स को मार डाला गया। नंबर 5, कैरोलिना पैराकीट। कैरोलिना पैराकीट तो की एक ऐसी प्रजाति थी जिसमें पंख में अलग अलग रंग देखने को मिलते थे। इसके पंखों में शामिल हरे, लाल और पीले रंगों की वजह से यह बहुत आकर्षक लगता था। कैरोलिना पैराकीट एकमात्र तोते की प्रजाति थी जो कि नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती थी। ये अलबामा राज्य में मुख्य रूप से पाया जाता था, लेकिन यह प्रवास करके ओहायो, ओयोवा, इलिनेस जैसे अमेरिकन स्टेट में भी जाता था। महिलाओं के लिए हॉट बनाने के लिए इनका शिकार बड़ी मात्रा में किया जाता था, जिससे उनकी संख्या लगातार कम होती गई और आखिरी कैरोलिना पैराकीट की मौत सिनसिनाटी जू में 1918 में हो गई थी। नंबर 6, अरबी शुतुरमुर्ग यानी अरबियन ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच बार्ड पहले मिडिल और ईस्ट में पाया जाता था, लेकिन अब सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। इसकी प्रजाति में इमू की भी आदि गिने जाते हैं। ये बार्ड 70 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से भाग सकता है। अरब की अमीर लोगों ने खेल के रूप में इस बार्ड को शिकार करना स्टार्ट किया। इस बार्ड का शिकार मीट, एग और उसके पंखों के लिए ही मारा जाता था। इसका रिजल्ट ये निकला कि आज दुनिया से अरबी शुतुरमुर्ग की पूरा प्रजाति खत्म हो गई है। नंबर 7, संदेश वाहक कबूतर यानी मैसेंजर पिजियन।
मैसेंजर पिजन यानी संदेश बाहक कबूतर कभी नॉर्थ अमेरिका में भारी मात्रा में मौजूद थे। ये कबूतर हमारे इंडियन कबूतर की तरह ही थे, लेकिन इसका कलर और शेप हमारे कबूतर से थोड़ा अलग था। ये कबूतर नॉर्थ अमेरिका के जंगल में पाए जाते थे। बाद में नॉर्थ अमेरिका में यूरोपियन पीपुल्स आकर बसने लगे और सस्ते मीट के लालच में उन्होंने इसका शिकार करना शुरू कर दिया, जिसके कारण इनकी नंबर्स धीरे धीरे कम होती गई और इसी तरह इसकी सारी प्रजातियाँ विलुप्त हो गई। नंबर 8, वल्चर बार्ड यानी गिद्ध। गिद्ध एक शिकारी बार्ड है जो बहुत ही विशाल है। यह हमारे आसपास की गंदगी, मरे हुए जानवर का मांस आदि खाता है, जिसके वजह से हमारे आसपास गंदगी कम होती है। लेकिन अब हमारे विकास के चलते हमको गिद्ध देखने को नहीं मिलता है। सन 1980 के दौरान में सिर्फ भारत में ही सफेद पूछे वाले गिद्धों का नंबर करीब 80 मिलियन थी, जो कि सन 2016 तक उनकी नंबर 40,000 से भी कम हो गई थी। पिछले एक सेंचुरी में भारत, पाकिस्तान और नेपाल में इनकी नंबर्स में 95% कमी आ गई है। गिद्धों की नंबर्स में हुई कमी की वजह से साल 2005 तक पर्यावरण स्वच्छता के लिए भारत में करीब 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ था। गिद्धों की नंबर्स में हुई कमी की वजह से साल 2005 तक पर्यावरण स्वच्छता के लिए भारत में करीब 25 बिलियन अमेरिकन डॉलर खर्च हुआ है। गिद्ध मुदाखर बाढ़ होते हैं जो बड़े एनिमल्स के डेड बॉडी को खाते हैं और इसलिए पर्यावरण को साफ करने में इनकी महत्व गुरुत्वपूर्ण है। दोस्तों, इस तरह के इंसान के अत्याचार की वजह से, बेबुनियाद शिकार की वजह से, विकास में लेते जंगलों का विनाश करने वजह से रोज रोज बार्ड्स की प्रजाति खत्म होती जा रही है। अगर हम कुछ भी नहीं करेंगे और इस तरह बार्ड्स पर अत्याचार करते रहेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि बार्ड्स को हम डायनासोर की तरह सिर्फ टीवी में ही देख पाएंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।